गाइस, आप सब कैसे? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं नाम पर्वती वस्क और आप सब देख रहे हैं पर्वती वस्क ऑफिशियल। सो गाइस, न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो जो वीडियो आपने इसके प्रीवियस में देखा, ये उसका आप सोच सकते हो पार्ट टू है। तो पूरा पूरी का पार्ट टू तो नहीं बोलूँगी, बट वही है। तो आज जा रहे थोड़ा और शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि पापा ने बोला कि बैग वगैरह खरीद लेना, बॉटल्स वगैरह खरीद लेना। तो वही, और जो मेरा बैग था, स्कूल बैग था, वो थोड़ा लाइक बड़ा दिख रहा है, तो बड़ा लगेगा। एक तो बुक छोटा छोटा है, बुक तो छोटा है, बट जो कॉपीज़ वगैरह है वो तो इतना छोटा नहीं है, बट उस हिसाब से मुझे ख़रीदना पड़ेगा। बट स्टिल ये बहुत बड़ा दिख रहा है। तो वही सब हम फिर से वहाँ पर जाएंगे, बट हम आज एक स्पेशल जगह पे जाएंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि कॉलेज हम जाएंगे, तो कॉलेज से घूम कर वहीं पे जो रोड है, एक बैंक के पास एक रोड निकलता है, वहाँ से निकलेंगे और जाएंगे वहाँ। तो वही बात है। आगो आडे भी अच्छी अच्छी बोलते मार्केटा बोलते। तो गाइस, यहाँ पे अभी आए, तो वहाँ पे एक था हमारा जो स्टॉपेज था, तो वहाँ पे हम उतरे। और यहाँ से उतरने से अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ से मैं जा सकती हूँ ऐसे चल चल के। तो अभी तो इस रोड पे आए हैं, और जो मैं रोड मैप पे देखी थी वो उससे आगे था थोड़ा सा। तो देखते क्या होता है क्या नहीं। तो ऐसे हम जा रहे हैं। आप सोच लो कि हम आज कॉलेज ही जा रहे हैं, क्योंकि लाइफ टाइम हो सकता है मैं लाइफ टाइम उस कॉलेज में ही जाऊं, तो उस वजह से देख लेते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो वही हम कॉलेज देखने के लिए जा रहे हैं, और क्या। तो देख लिया ना, वो है कॉलेज। फ़िलहाल के लिए उस कॉलेज में एडमिशन हुआ है, तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। वो तो 5 तारीख के बाद ही पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं। तो वही वो रहा कॉलेज, और यहाँ पे साइड पे स्कूल, मतलब अगल बगल में ही है, आसपास ही है। मतलब स्कूल इस तरफ लेफ्ट साइड तरफ, और कॉलेज राइट साइड तरफ। तो हाँ, ये फ्रंट क्राफ्ट में ऐसे शूट कर रही हूँ, तो ये उल्टा लगेगा आपको। तो वही अब यहाँ से हम चल चल के जाएंगे, वो पूरा मार्केट हम निकलेंगे। तो मार्केट तो बोलूँगी नहीं, क्योंकि वो मार्केट बाहर है, हुआ वो थोड़ा बाहर पे है वो, बट बस के लिए वो सुविधा है। तो वही, ये रहा गवर्नमेंट हाई स्कूल यूनिट 1 का स्कूल। तो ये थोड़ा सा आगे है मेरे कॉलेज से, बहुत आगे है। और पता नहीं वो कॉलेज किस लिए था, किन का कॉलेज था, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज का, सॉरी गवर्नमेंट स्कूल का। तो आपको पता होगा ना कि 1 से 5 तक, या फिर 1 से 6 तक अलग स्कूल होता है, और उसके बाद से जो हायर सेकेंडरी स्कूल होता है वो अलग होता है। तो वही पार्ट पार्ट होगा ये, जितना लग रहा है, बट ये बड़ा स्कूल है, इतना मुझे पता है। दिख रहा है ना, बड़ा स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल अब सब बड़ा बड़ा हो गए। तो ये रहा बैंक, और ये रहा रोड। थोड़ा सा शॉपिंग किए, बोटल एक देख रहे थे, तो वही बोटल एक ख़रीदा। 400 कितने का था टोटल, बट उन्होंने 300 कितना बोला था, तो हमने 350 का लिया, और थोड़ा सा डिस्काउंट किया। तो किस तरह बोटल दिख रहा है क्या नहीं, मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। अभी हम जा रहे हैं जो
कॉलेज यूनिफॉर्म लाने के लिए, वहीं पे जिस जगह पे हम देखे थे, मतलब देख कपड़ा तो नहीं देखा था बट वहाँ पे मिलता है सब बोल रहे थे, तो वहीं पे ही जा रहे हैं। और कॉलेज की जो एक मैम थी वो भी बोल रहे थे, और जो वहाँ के एक स्टूडेंट थे, मतलब जो दीदी के साथ में पढ़ रहे, मतलब दीदी के साथ एक ही स्कूल में हम स्कूलिंग किए थे, वो दीदी भी वहाँ से ही पढ़ रहे थे, तो उनको भी पूछा था, वो भी वही दुकान बोले थे, तो वही हम वहाँ पे ही जा रहे हैं, चल चल के जा रहे, पास ही है। यहाँ बैग, और अभी आए कपड़ा लेने के लिए, और हमारा तो पैसा हो नहीं रहा है, देखते कितना हो रहा, मतलब कितना क्लॉथ का प्राइस है देखते हैं, तो नहीं लेंगे और क्या, फिर से आना पड़ेगा, तो देखते हैं क्या होता है, अंदर जाने के बाद पता चलेगा। तो गाइस ये तो थोड़ा कम में ही गए, ऐसे जितना हम सोच रहे थे तो उतना नहीं, ये रहा देख सकते हैं 845। यहाँ पर ऑल टाइप का कॉलेज मिलता है, यूनिफॉर्म हर कॉलेज का मिलता है, आप चाहो ले सकते हो, तो चलो चलते हैं घर। अब सो गाइस आ गए, तो चलते घर पे, और कुछ बोलने के लिए भी कुछ नहीं है, क्योंकि मैं बहुत थके हूँ, सिर्फ मैं ही नहीं, माँ और हम दोनों ही बहुत थके हैं, तो चलो चलते। तो ये देख सकते हैं, ये लिखा गया है शॉप का नेम, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है साड़ी रेडीमेड है, रेडीमेड पता नहीं किसका रेडीमेड है, स्टिचिंग और ये सब है, क्लॉथ मटेरियल, और जितना मैंने देखा कि वहाँ पे ड्रेस मटेरियल, आप ड्रेस का कपड़ा ख़रीदोगे तो बहुत ही अच्छा अच्छा वहाँ पे रखा गया है कलेक्शन। देखो ऐसा, हाँ कैमरा में थोड़ा लाइट और ज़्यादा लाइट पिंक लग रहा है, बट थोड़ा सा लाइट नहीं है, मतलब थोड़ा डार्क है, कैमरा में लाइट दिख रहा है। ये रहा ऊपर का पार्ट, ये है पैंट और ये चुन्नी, तो ये रहा श्री लेदर का बैग, ये देख सकते हैं प्राइस इतना, और ये एक बोतल ख़रीदा है जो कि मैं बोल रही थी यही कलर का है, मैं और खोल के नहीं दिखाऊंगी, तो ये रहा बैग वही उतना ही, और यहाँ पे मेरा चिप्स वगैरह है, खाएंगे थोड़ा सा रेस्ट करेंगे उसके बाद जो। सो बोलते हैं ना, जब किस्मत ख़राब होता है आपका दिन ख़राब होता है, गलत बोला क्या? जब आपका दिन ख़राब होता है तब आपका उस दिन का किस्मत भी ख़राब होता है, वही हमारे साथ हुआ। मतलब जो बैग मैंने लाई हूँ, अब घर ला के अब ऐसा लग रहा है कि वो बैग बड़ा दिख रहा है, मतलब कुछ भी, आज का दिन ही ख़राब गया है सीरियसली। सुबह हम बिरयानी लाए थे, वो बिरयानी सादा लग रहा था, लाइक ऐसा लग रहा था कि घर पर ही बनाया गया था ऐसा, और हाँ ऐसा नहीं कि हम नए जगह पे लाए, वही पुराना जगह जहाँ पे हम लाते हैं वही जगह पे ही बिरयानी गया, उसके बाद हमारा बस गया, जब हम फर्स्ट यहाँ से पकड़ रहे थे बस हमारे घर के पास से जाने के लिए मार्केट, तब बस गया हमारे हाथों से, मतलब हम बस स्टॉपेज में बैठे थे, हमारे यहाँ से 9 नंबर 13 नंबर और 17 नंबर, ये 3 बस जाते हैं, 9 नंबर बस पटिया से जाता है हमारा मास्टर कैंटीन, 13 नंबर जाता है लिंगीपुर से हमारा नंदन कानन, और 17 नंबर बस हमारा विमान बंदर से, मतलब बीजू पटनायक एयर फील्ड से जाता है कटक, मतलब बाराबाटी स्टेडियम जाता है, तो ये जो 3 बस है वो यहाँ यहाँ जाते हैं मैंने जैसे बोला। तो पहले हम ये बोले कि माँ को बोले कि हम जाएंगे
और क्योंकि हो सकता है मैं फ्यूचर में अकेली जाऊँ कॉलेज वगैरह, जब तक दोस्त नहीं मिले मुझे। दोस्त मिलने के बाद मैं बस से चली आऊँगी, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो वही हम देखने के लिए मम्मी को बोले कि 17 नंबर बस से जाएंगे और स्टॉपेज में उतरेंगे, जो आपने वीडियो देखा, मतलब वीडियो के पहले जो आपने देखा। तो हम वैसे सोचे, एक तो वो 9 नंबर बस स्टॉप, मतलब बस स्टॉपेज के सामने खड़ा हुआ। खड़ा होने के बाद उसके पीछे 17 नंबर बस था, और अब माँ को और मुझे बस नहीं दिख रहा था कि 17 नंबर बस पीछे है। जब हम अचानक से देखे, आंखें गया उसके ऊपर, 17 नंबर बस आ गया है, तब हम दौड़ के गए। बस वाले ने रुका ही नहीं, और हम स्टॉपेज के पास तो नहीं, स्टॉपेज में ही थे। हमने उसको हाथ हिला के बोला कि रुको रुको, रुका ही नहीं। मतलब उससे उससे ही खराब दिन पूरा खराब गया है। आते वक्त भी वैसा हुआ है। राजमहल जो भी लोकल लोग हैं भुवनेश्वर में रहते हैं, आपको पता होगा राजमहल एक बड़ा लाइक स्क्वायर है। तो वही हम सोचे, देन जो बाकी अलग जगह पे जा रहे थे बस, जैसे कि 30 नंबर, 21 नंबर, ये सब जो बस जा रहे थे, ये तो अलग अलग रूट है उनका। तो वो सब बस ना राजमहल के इस साइड में थे, मतलब कहाँ से बोलूँ, जहाँ पे हमारा जो क्लॉथ शॉप है, जो यूनिफॉर्म क्लॉथ शॉप, वहाँ पे रख रहा था। बट हमारा जो 13 नंबर बस था ना, वो रोड क्रॉस करके वहाँ पे रख रहा था। तो ऐसे तो बोल के तो एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा है, बट फिर भी आप समझ सकते हो, लोकल लोग आप सब समझ सकते हो। तो वही हुआ कि, और इतनी जल्दी तो वो रोड तो क्रॉस नहीं कर सकते हो, तो दिन ही पूरा खराब गए। तो उसके बाद हम वहाँ पे खड़े रहे, डायरेक्ट हम चले आए मार्केट, यूनिटर्न हाट पे हम आ गए। हाट में वेट किया किया बहुत समय वेट किया। करने के बाद जाके और घर पे हम पहुँचे, 5:05 में पहुँचे हम। तो दिन पूरा ख़राब गया है, और पता नहीं उस बैग को फिर से लेके जाना पड़ेगा, मतलब कल जाना पड़ेगा, क्योंकि 3 डेज़ का रिटर्न पॉलिसी है उनका। तो कुछ नहीं, पूरा दिमाग गर्म हो गया है। और रही ड्रेस की बात, तो यूनिफॉर्म फ़िलहाल के लिए नहीं दे रही हूँ, क्योंकि जैसे कि मैंने सेकंड सिलेक्शन के लिए अप्लाई तो नहीं, सेकंड सिलेक्शन के लिए रिक्वेस्ट भेजा है, तो मेरा बीजेपी कॉलेज आ जाएगा, तो उस लिए मतलब आ जाता है, तो उस वजह से मैं स्टिचिंग के लिए नहीं दे रही हूँ। और वही तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, वो तो 5 के बाद ही पता चलेगा, सॉरी 5 में ही पता चलेगा। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो आप सब जुड़े रहो, दिन आज बहुत खराब गए हैं, और मुझे कुछ बोलने के लिए भी मन नहीं है। तो हाँ, इस वीडियो को यहाँ पे एंड करें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे डांस एंड ब्लॉग वीडियोस देखने के लिए। सो टाटा, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।